स्त्री शक्ति मुझे आशीर्वाद देने आई है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर हम आपसे पूछें कि इस वक्त देश में क्या चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, माहौल बन चुका है, राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, कभी भी आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसे एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को एक के बाद एक गुड न्यूज मिल रही है जो कि विपक्षी दलों के होश उड़ाने के लिए काफी है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच यूपी की डबल इंजन सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल यूपी को लेकर दो ओपिनियन एग्जिट पोल सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि यूपी में अब भी योगी मोदी का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अगले महीने यानी अप्रैल में देश में आम चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल औपचारिक रूप से तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए, दोनों गठबंधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही चुनावी मैदान में अपनी जीत के समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स को स्थापित करने में जुटे हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा की तरह दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा समीकरण साधने में लगी हैं। इसी तरह कांग्रेस सवर्ण पिछड़ा अल्पसंख्यक वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को साधने के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे और विकास को जमीनी स्तर पर सेट कर रही है। तो कुल मिलाकर वोटर्स को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन अब हम आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ा कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके मन में यूपी को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। हाल ही में दो चैनल्स के ओपिनियन एग्जिट पोल सामने आए हैं जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। मोदी योगी मैजिक के आगे सब बेकार नजर आ रहे हैं और विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी यहां अपने दम पर 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर सकती है, और ऐसा तब हो रहा है जब पीएम मोदी अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा करने जा रहे हैं। वहीं यूपी में योगी सरकार 7 साल का कार्यकाल कर 8वें में एंट्री करने जा रही है। डबल इंजन की सरकार को लेकर यूपी में अभी तक एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल बनता नहीं दिख रहा है। वहीं इसके उलट लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रो इनकम्बेंसी जैसी स्थिति बनती दिख रही है। सामने आए दो ओपिनियन एग्जिट पोल की माने तो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में एनडीए को 74 से 77 सीटों पर जीत मिल सकती है और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष विलुप्त होने की कगार पर क्यों आ गया है। इसके पीछे की वजह डबल इंजन सरकार की योजनाएं मानी जा रही हैं। दरअसल यूपी चुनाव 2022 के दौरान कोरोना काल में शुरू की गई फ्री राशन योजना का यूपी में बड़ा असर दिखा। मायावती के परंपरागत दलित वोट बैंक में योगी के इस योजना ने सेंधमारी की और उन्हें सफलता मिली। यूपी में करीब 3.5 दशक बाद ये चमत्कार हुआ था जब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार सत्ता में वापस आई थी। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सीएम बने और उनका बुलडोजर मॉडल काफी हिट हुआ। वहीं केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, हर घर को नल का जल योजना का फायदा आम लोगों को मिला। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाएं जिलों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने में कामयाब हुई। एक्सप्रेसवे का निर्माण और विस्तार बरकरार रहा और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता रहा। यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का दावा है कि यूपी में मोदी लहर जारी है जो सीधे 80 सीटों पर जीत दर्ज करवा सकती है। जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार यूपी से बीजेपी को 60% वोट शेयर मिलना तय है। आज यूपी में बीजेपी के पक्ष में जो हवा चल रही है उसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी की हिंदुत्ववादी सोच मानी जा रही है। मोदी और योगी खुद को हिंदुत्व से सीधा कनेक्ट करने में कामयाब रहे हैं। 5 शताब्दियों से चला आ रहा राम मंदिर विवाद सुलझ गया। उनके इसी कार्यकाल में राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया। दोनों नेताओं ने राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक चले हर कार्यक्रम में अपनी हिंदुत्व छवि को बखूबी उतारा। देश के सबसे बड़े वर्ग से खुद को कनेक्ट करने में मोदी सफल रहे। वहीं सीएम योगी ने अयोध्या के दीपोत्सव को देश विदेश में फेमस कर दिया।
डबल इंजन सरकार में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इस तरह विकास से लेकर धर्म तक हर मामले में दोनों नेता सीधा देश की जनता से जुड़े, इसका असर ओपिनियन पोल रिजल्ट के जरिए सामने आया है। तो इन सब बातों को देखते हुए आगामी चुनाव में बीजेपी को बड़ा वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। साल 2014 में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। वाराणसी से उतरे मोदी का मैजिक पूरे प्रदेश में चला। 42% वोट शेयर के साथ पार्टी यूपी की 71 सीटों पर जीत दर्ज कराने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव 2019 में भी मोदी का मैजिक चलता रहा और अब 2024 के चुनाव से पहले आए दो चैनल्स के सर्वे एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी और एनडीए मिलकर 80 में से करीब 75 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं और विपक्ष का सूपड़ा साफ हो सकता है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि आने वाले चुनाव में यूपी में मोदी योगी मैजिक देखने को मिलेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।